हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम बनाएंगे पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, वो भी एकदम अलग तरीके से, तो जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3-4 शिमला मिर्च जो कि मैंने बारीक काट ली है, प्याज काट लिया है, टमाटर और हरी मिर्च एकदम इस साइज़ का काटना है, और मैंने लहसुन अदरक जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना लिया कूट कर। तो इस चलिए हम अब एक कढ़ाई लेंगे, उसे गरम करने रख देंगे, थोड़ा गरम हो जाए। तो हमारा कढ़ाई थोड़ा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, सरसों ऑयल। अब इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है तो अच्छे से चलाने में नहीं बन रहा है। अब इसे हम बीच बीच में ढक ढक के पकाते रहेंगे ताकि अच्छे से शिमला मिर्च हमारी पक जाए। तो देखिए अभी ये थोड़ी पक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे अलग। अब हम पनीर लेंगे, पनीर की छोटी छोटी पीसेस काटेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसे काट लिया है, पनीर के टुकड़े कर लिए छोटे छोटे। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, पर हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं इसलिए इसमें हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। अब इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे हम निकालेंगे। देखिए ये हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे और इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से इसे पका लेंगे और फिर इसे हम निकाल के इसे हम पेस्ट बनाएंगे मसाले में ही डाल के। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा मसाले में बादाम ऐड करेंगे। देखिए तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा, थोड़े गरम मसाले हमने ले लिए। तो अब इसे हम
तेल में डालेंगे। इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम डालेंगे। सारा पेस्ट डाल देंगे इसमें। फिर हम इसे चलाएंगे अच्छे से और इसमें हल्दी ऐड करेंगे। लाल मिर्च और ये है गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर हमारा मसाला चिपकने लगे तो थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि उससे हमारा मसाला चिपके ना। अब इसमें हम पनीर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। अब इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है बनके। अगर आप